आप ही मीट कर दो फिर उसको। सत्यम कर रहा हूँ बेटा। हाँ विशाल को ओके डन। हाँ तो बेटा मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मीन्स आप सेट को सॉरी रिलेशंस को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप फोर टाइप से रिप्रेजेंट और कर सकते हो। अभी तक आप लिस्टेड आउट किए हैं सारे रिलेशंस आपने है ना लिस्ट आउट किए हैं सारे ऑर्डर पे लिखे हैं एक साथ ठीक है ना। तो पहला तरीका है फर्स्ट है इट इज़ एज ए मैट्रिक्स ठीक है ना। लेट सपोज सेट ए में एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी हैज़ एम एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है। तो इस पे अगर और रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी आर बी आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी देन दो मैट्रिक्स तैयार होगी वो एम क्रॉस एन की होगी। इफ़ अ सेट इफ़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी अगर सेट ए से बी का है ना रिलेशंस है तो देन जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो एम क्रॉस एन की होगी। क्लियर। यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा कि अगर वन उस मैट्रिक्स में वन की वन जब आएगा जब ए का बी के साथ रिलेशन हो ठीक है ना और अदरवाइज क्या होगा जीरो होगा। सो अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में आपके पास क्या आएगा कि केवल जीरो वन दो ही वैल्यू आएंगी। सो इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड जीरो वन मैट्रिक्स बूलियन मैट्रिक्स और सिंपली वी कैन से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडजेंसी मैट्रिक्स ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट सपोज सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी है एंड हेयर इज ए रिलेशन ठीक है और दिस इज फ्रॉम सेट ए टू ए दिस रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू ए ठीक है। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं थ्री। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं आपके पास थ्री। तो जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो कितने हो गए थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स होगी हेंस इट इज ए थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स ठीक है। अब जिस जिसके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है केवल वहाँ पर वन कर देते हैं। ए रिलेटेड टू बी है सो ए रिलेटेड टू बी है सो इट यहाँ पर वन। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि रो का रिलेशन कॉलम्स से होगा। रो का रिलेशन किसके साथ होगा कॉलम के साथ होगा। ये चीज़ क्लियर हो रही। एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर ठीक है। लेट सपोज सेट ए इज इक्वल टू हमें गिवन है वन टू थ्री वन टू थ्री एंड सेट बी इज इक्वल टू इट इज गिवन ए बी सी एंड डी। क्लियर। नाउ अगर रिलेशन आर आपको जो गिवन है वो इस तरह से है जिसको आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना फ्रॉम सेट ए टू बी है ठीक है ना। रिलेशन कुछ इस तरह से है आर इज इक्वल टू वन रिलेटेड टू ए वन रिलेटेड टू बी टू रिलेटेड टू डी डी एंड टू ऑल्सो रिलेटेड टू बी एंड थ्री रिलेटेड टू सी। लेट सपोज दिस इज द आर रिलेशन। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ठीक है ना सी। तो सबसे पहली बात मैट्रिक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स एम और जिस रिलेशन की है वो सबस्क्रिप्ट में आर दैट इज इक्वल टू कितनी बाई कितनी की मैट्रिक्स तैयार होगी। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं थ्री ओके सेट ए में थ्री तो थ्री सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं फोर सो थ्री बाई फोर की आपके पास मैट्रिक्स होगी। सेट ए के एलिमेंट्स कितने होंगे वन
टू एंड थ्री, यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी डी। अब उस समय मैंने कहा था कि रो का रिलेशन किसके साथ होगा, कॉलम के साथ होगा। अब बात क्लियर हो रही, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वन पहला कॉलम होगा क्या पहला रो होगा दूसरा कॉलम होगा। बेटा रो कौन सी कहलाती हैं, रो तो ये कहलाती है ना आपकी, दीज आर द रो, कॉलम्स क्या होते हैं। नहीं सर, एक ही देख रखा है उसमें, मतलब कि पहले जो दे रखा होगा वो रो होगा और दूसरा कॉलम होगा। हाँ बेटा, अब सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, यही तो हैं सेट ए के एलिमेंट्स, तो यही तो हैं बेटा। तो फर्स्ट जो है वो तो सेट ए का ही तो एलिमेंट्स होगा। वन का रिलेशन ए के साथ है, ए का रिलेशन वन के साथ नहीं है बेटा। जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसका रिलेशन सेकंड पोजीशन के साथ होता है, सेकंड का वन के साथ, सेकंड का पोजीशन के साथ वन के साथ नहीं है। क्लियर? सो वन इज रिलेटेड टू ए, ये आपको दिया हुआ है। सो इट इज ए वन, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये वन है। वन इज रिलेटेड टू बी, वन। टू रिलेटेड टू डी, टू इज रिलेटेड टू डी, यहाँ पर वन। थ्री रिलेटेड टू सी, यहाँ पर वन। रेस्ट पोजिशन पे जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या होगा, रिलेशन आप क्या डालोगे, जीरो डालोगे। सो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है किसकी, रिलेशन आर की। क्या टू बी के साथ भी है, टू का बी के साथ, अच्छा टू का बी के साथ भी है, तो टू बी की तरफ बी है, हाँ डाल दिया बेटा, ठीक है ना, टू इज रिलेटेड टू बी भी है। क्लियर? ठीक है ना, सो इट इज़ अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आर। तो आप यही काम यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर वंस आया है वो रिलेशन आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, सो इट इज़ ए जीरो। अब कुछ चीज़ें देखने वाली बात हैं, ठीक है। पहली बात यह है कि अगर रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा, तो अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे तो इक्वल टू मैट्रिक्स वही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या, अगर ए का बी के साथ होगा तो बी का ए के साथ, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अगर सपोज दैट ये रिलेशन अभी आपके पास क्या, मैट्रिक्स देखा जाए तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ मैट्रिक्स का, एम का आर का, मैं क्या करूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, तो क्या होगा आपका, जो फर्स्ट फर्स्ट रो है एफ, तो वो फर्स्ट कॉलम बनेगा वन वन जीरो एंड जीरो। सेकंड रो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन, ठीक है ना। देखा जाए तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अगर आपको इक्वल कब मिलेगी, जब दोनों ये क्या हों, ट्रांसपो मीन्स सिमेट्रिक रिलेशन हो। अगर ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा तो एम का ट्रांसपोज और दोनों सेम मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, टाइम भी हो रहा है, सो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सेट ए इज इक्वल टू, छोटा सा ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, वन टू थ्री, वन टू एंड थ्री, यार इट इज ए, ठीक है। और रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए है, ठीक है। मैं सीधे इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा इट इज ए, क्या होगा, वन टू थ्री, लेट सपोज कुछ आपके पास क्या है, रिलेशन कुछ इस तरह से हैं, वन का वन के साथ रिलेशन है, वन इज रिलेटेड टू वन, ओके, वन इज रिलेटेड टू वन, वन इज रिलेटेड टू टू ले लेते हैं, ये नहीं है रिलेशन, ठीक है। टू इज रिलेटेड टू वन है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ये भी है, ठीक है ना।
थ्री रिलेटेड टू, टू रिलेटेड टू थ्री है, तो थ्री रिलेटेड टू टू है और ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से रिलेशन है। अगर ये रिलेशन देखा जाए तो वन रिलेटेड टू टू है तो टू रिलेटेड टू वन है। कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, तो सेम मिलेगी, तो हैंस इट इज़ ए सिमेट्रिक वन। और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस के अबाउट, प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस कौन सी है आपकी, ये है, ठीक है, इसके अबाउट आपको क्या मिलता है, सिमिट्री मिलती है। मीन्स सिमिट्री का मतलब नहीं कि मिरर्ड इमेज मिलती है, दो ट्राइंगल्स हो जाएंगे, एक अपर ट्राइंगल होगा, एक ये ट्राइंगल, ठीक है ना, और आपका दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो, ये लोअर ट्राइंगल। अगर ये मिरर्ड इमेज मिलते हैं तो तब भी आपके पास क्या होगा, रिलेशन शुड बी सिमेट्रिक, रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और मिरर्ड इमेज है दोनों ट्राइंगल्स, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल, सो हेंस इट इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन। अगेन अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस में सारे वंस हैं तो दैट मीन्स रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर आर, क्योंकि वन रिलेटेड टू वन मिला, टू रिलेटेड टू मिला एंड थ्री रिलेटेड टू थ्री, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एक्सिस पर आपके क्या मिलता है, सारे वंस मिलते हैं, हैंस इट इज़ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो पहला पॉइंट यही था, सेकेंड पॉइंट आपका क्या था, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एम आई आई इक्वल टू वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू एम, क्लियर। मैं अब ये अटेंडेंस ले, अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको फर्दर और भी चीज़ें आपको बता दूँगा, ठीक है ना। आई एम टेकिंग बेटा, आप क्लास लीव कर